हैं जो आपकी हॉस्पिटल आते हैं। आपकी हॉस्पिटल मूर्ख लोग आते हैं। आप मेरे पसंद पथरिया के पेशेंट जो आते हैं वो गलत जगह आते हैं। उनकी डिग्री ना तुम्हारी डिग्री हम छुड़ा के जो आपकी हॉस्पिटल आते हैं, आपकी हॉस्पिटल मूर्ख लोग आते हैं। 50 पेशेंट वो जिन्हें मालूम नहीं ना आपकी हॉस्पिटल की हकीकत, आप देख के जाओ उस लड़के की हालत कैसे, क्या स्थिति है उसकी, उसके नीचे कान में क्या स्थिति है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है और आपने लिख दिया कुछ नहीं है ताकि केस ना बन सके, सामने वाले बच जाए। देखिए इस्टीमेट आपने बनाया, आपने इस्टीमेट बनाया, आप वो नहीं, आपने तनख्वाह था वो तो अस्पताल क्षेत्र के लोगों को सबको ऐसे ही लूटने के लिए और तनख्वाह देने के लिए। आप मेरे पसंद पथरिया के पेशेंट जो आते हैं वो गलत जगह आते हैं। अरे 50,000 रुपए का करते हो आप लोग, आपने देख लिया मैंने कि एक गरीब आदमी के साथ आपने क्या लेके दिया और क्या किया, देख लिया मैंने। आज आपने लोग जीरो नॉर्मल स्थिति है इसकी ताकि कोई केस ना बन सके सामने वालों की। वो हुआ है माननीय क्या नाम भाई साहब, जो आपके इस हॉस्पिटल के मालिकों ने बोला है, इस आप छुपाए मत मुझे बिल्कुल बिल्कुल इन चीजों से, लेकिन आप ऐसे ही अगर अस्पताल के राते रहे ना तो फिर हो गया। आप चीज को लेके कर उनको वो लिखना पड़ा जो उनको कहा गया, समझ गए आप। सब लगा दें डिग्री हो कौन उनकी, अब उनकी डिग्री ना तुम्हारी डिग्री हम छुड़ा उठे रूम जाते। ये हमारी पथरिया विधानसभा का मामला है और ये जो पंकज खटीक है इसके लिए कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था, बहुत बुरी तरीके से, यहाँ तक कि जो कुछ भी मारा हो तो ये मतलब अंदर से इस टाइप का था कि बाहर से तो कुछ दिखता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, पर आज भी स्थिति उसकी ठीक नहीं। इसी हॉस्पिटल में जे मूर्ख लोग लेके आ गए, इन्हें भी मालूम नहीं था कि इसमें ले जाने चाहिए कि नहीं, पर वो लेके आए। अब इलाज इनका कैसे हुआ, कैसे नगद पैसे में हुआ जी, नगद पैसे लिए, फिर इनको इनकी स्थिति डिस्चार्ज की नहीं थी, इसके बावजूद भी डॉक्टर ने इन्हें डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि जो लोग हमारी पथरिया के थे वो दबंग थे, उधर के नेताओं ने जिनकी हॉस्पिटल है ये जिन मंत्री मिनिस्टरों की उनको फ़ोन लगाया, उनने इसे डिस्चार्ज करवाया और इसे घर भेज दिया। ये लोग फिर ग्वालियर भी लेके गए इसे, क्योंकि ये आज भी इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये कुछ भी बोलता रहता है, कल थोड़ी देर में अपने बच्चों को मुर्गा मुर्गी बोलने लगे, घर में स्थिति ठीक हो जाती जी हाथ भी नहीं उसका एक उठता है, तो इसे डिस्चार्ज कर दिया। मैं अभी चुनाव प्रचार में मैं इसको देखने गई थी, इसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब थी, बिल्कुल गाड़ी चोरी हुई थी, बताया अस्पताल के अस्पताल में मैंने इधर के जो ओनर हैं कोई सिंगाई फिंगाई जो भी हो उससे मैंने बात की, उन लगे अब ये कौन है जो आया था, तो मैंने अभी ओनर से बात की, आप लोग सुन रहे थे आपने रिकॉर्डिंग की है नहीं की को भगवान जाने, और वो बोल रहा है आप संतुष्ट नहीं है तो मैं दूसरा रिपोर्ट करवा देते। यही रिपोर्ट जब थाने में मांगी गई तो इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने क्या लिख दिया कि माइनर सी रिपोर्ट, मतलब जो नॉर्मल चोट हैं। आप ये बताओ अगर उसे नॉर्मल चोट होती तो ये हाथ इसका ऊपर नहीं जाता, ये इसे जो कुछ याद नहीं रहता है अंदर से, मतलब भूल जाता है फिर याद आ जाता है, तो माइनर चोटें हो सकती क्या है, कैसा लिखना चाहिए, छुट्टी भी उसकी इसी चलते कर दी। इसलिए क्यों आप लोग कहाँ लेके गए थे, ग्वालियर लेके गए जी लोग, ग्वालियर के लिए लेके गए, ग्वालियर के कागज भी हैं कि अंदर इससे कुछ प्रॉब्लम है, पर इस हॉस्पिटल में और ये पूरे राजनीतिक चलते हुआ और ऐसी अस्पताल के लिए सरकार मान्यता भी दिए कि मतलब गरीबी राशन कार्ड पे दवाई, अभी बोल रहा ना हमसे वो ओनर बोल रहे हैं कि 50,000 के इलाज होता है तो मैं 20,000 रुपये लेता हूँ। अचानक यहाँ आई है, किस हॉस्पिटल में ये भर्ती थे, क्या नाम है हॉस्पिटल का, सागर श्री हॉस्पिटल है, और सागर श्री हॉस्पिटल में एक महीने पहले 7 तारीख 8 तारीख में ये भर्ती था और इसे 3 या 4 दिन 17 तारीख को इसको
डिस्चार्ज कर दिया था। बताइए कि ये देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री लगातार कह रहे हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन इस हॉस्पिटल की लगातार शिकायतें आती इसके बावजूद कुछ कर नहीं। मैं मेरी समझ में अपनी सागर संभाग के लोगों की ये नहीं आता, ये भीड़ खड़ी है जो इधर, ये लोग क्या बुद्धि तो लगाते नहीं है, भी नहीं लगाएंगे कहाँ से कि किस हॉस्पिटल में जाने चाहिए किस हॉस्पिटल में नहीं जाने। पता करने चाहिए कि ऐसी हॉस्पिटल हैं जो जनता का खून चूस चूस के पैसा इकट्ठा कर लिया है, ऐसी हॉस्पिटल हैं इसीलिए बनाई कि और भी खून चूस सकें। और मैं तो आज ये बात कहना चाहती हूँ, चाहे उन्हें बुरा लगे हम सरकार के लिए या अच्छा लगे, कि अपने ही मंत्री मिनिस्टरों की अस्पतालों के लिए वो पावर दे दिए जाते हैं कि इसमें सरकारी मतलब गरीबी राशन कार्ड और आयुष्मान पैलाज फ्री होगा, ये शुद्ध में गलत हो रहा है। और इसके अस्पताल की कई शिकायतें हैं, मुझे बड़ा दुख है कि क्या अपने मंत्री मिनिस्टरों के फेवर इस तरीके का करने चाहिए। कल कोई मंत्री मिनिस्टर किसी लड़की का रेप कर देगा तो क्या ये सरकार उसको बचाएगी कि ये मेरी मंत्री हैं बचाएगी? किसी को किसी के साथ कुछ गलत कर दें, आप देखो सीधा सीधा गलत हो रहा, पर इसमें सरकार कुछ सोचती नहीं है कि इनके इनके मंत्री मिनिस्टर क्या गलत कर रहे हैं। आप चूंकि विधायक हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप कहां तक जाएंगे? ये मेरी पथरिया विधानसभा का है, इसे मैं कोर्ट में खड़ा करूंगी और कोर्ट में एक याचिका दायर करवाऊंगी और जो जांच होती है 5 डॉक्टरों की मैं उसमें लगाऊंगी कि मतलब इसकी जाँच करवाई जाए कि उस समय भी क्या स्थिति थी। ये स्थिति है, लेकिन इनने थाने में रिपोर्ट क्या भेजी है कि माइनर्स बिल्कुल कुछ इनको उसको नहीं है, ऐसी जांच भेजी ताकि कोई केस ना बन पाए, क्योंकि वो जो लोग हैं उधर के नेता भी हमारे जो हैं वो भी निम्न स्तर पे गिरे हैं, पर उनके संबंध उनसे भी गिरे हुए नेताओं से हैं, तो ऐसे चलते उनको न्याय नहीं मिल रहा।